माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों से सड़क सुरक्षा से संबंधित हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसी सड़क सुरक्षा अध्याय का विस्तार से शिक्षण कार्य करेंगे, जिसमें हम सड़क सुरक्षा के कर्तव्यों के साथ साथ अनिवार्य यातायात संकेतों की भी जानकारी लेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं अध्याय नंबर 19 को, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा। और सबसे पहले हम जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी है वो लेंगे। पहला कर्तव्य दिया है, दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह है उन्हें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना, कि जहां पर भी दुर्घटना हुई है और वहां पर कुछ घायल लोग हैं तो उनको घायल लोगों को किस तरह से सहायता देनी है, किस तरह से उनका प्राथमिक चिकित्सा करनी है और किस तरह से उनको अस्पताल पहुंचाना है, इसके बारे में भी हमारे को भी जानकारी होनी चाहिए और लोगों को भी हमारे को जानकारी देना है। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना, इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर पड़ोस और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना कि गाड़ी है उसको गलत जगह पर पार्क नहीं करना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है और ना ही मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी को चलाना है, इन सब बातों पर गौर करते हुए या इसके परिणामों पर अपनी नज़र रखते हुए लोगों के साथ में अपने घर में पड़ोस में सब में बातें करना है। सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन, कुछ लोग होते हैं कि सड़क पर बहुत ही तेज स्पीड के साथ में अपने साधन को चलाते हैं क्रोधपूर्ण तरीके से, और लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही सड़क पर चलने वाले लोगों के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार है वो करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर और परिवार के सदस्यों पर भी नियंत्रण रखना, खुद पर भी नियंत्रण रखना है और परिवार के सदस्य हैं उन पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। फिर चौथे में है कि सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने के लिए क्या दंड मिल सकता है, इस पर चर्चा करना कि सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं अगर उन नियमों का पालन नहीं होता है तो किस तरह से हम सजा के भागी हो सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों को बताना है। फिर है जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न मिले गाड़ी न चलाना, अगर हमारे को लाइसेंस की जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारे को किसी प्रकार का साधन है वो नहीं चलाना चाहिए। छः नंबर के विकल्प में है कि गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए निर्देशानुसार होना, कि निर्देशों के अनुसार ही गाड़ी की नंबर प्लेट है वो होनी चाहिए, उस पर स्वच्छ अंकों में बड़े बड़े अक्षरों में जो नंबर हैं वो लिखे हुए होने चाहिए और उनकी साइज है उसका भी हमारे को ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर सात नंबर में है कि अलग अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलाना चाहिए, वर्षा में, कोहरे में, रात में आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करना कि अलग अलग स्थितियों में हम किस तरह से गाड़ी को चला सकते हैं, कि वर्षा में कैसे चलाया जाए, कोहरे में और रात में, इनका प्रशिक्षण हमारे को प्राप्त होना जरूरी है। लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी देना कि लोगों कई लोग होते हैं वो शराब पीकर गाड़ी है उसको चलाते हैं तो उसकी सांस से इस प्रकार की मशीनें आती हैं कि सांस से पता लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति है या अमुक चालक है वो शराब तो नहीं पिया हुआ है। इसके अलावा जैसे रेड स्पीड कैमरा आता है तो ये सड़कों पे लगाए जाते हैं जहाँ पर जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से गुजरी है या उस गाड़ी की जो तस्वीर है वो रेड स्पीड कैमरे में कैप्चिंग हो जाती है या उसका चित्र है वो उसमें जो चित्र है उसकी तस्वीर शामिल हो जाती है। फिर है रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर भी गाड़ियों में लगाए जाते हैं, ये रेडियम धातु के बने हुए होते हैं, गाड़ियों के पीछे और आगे जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर लगाया जाता है और जैसे इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये चमक उठते हैं। इसके अलावा इंटरसेप्टर एक ऐसी मशीन होती है जो सड़कों पर लगाई जाती है गाड़ियों की स्पीड मापने के लिए कि गाड़ी है वो कितनी स्पीड से आ रही है या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो अनकंट्रोल स्पीड से गाड़ी को चला रहा है, तो उसकी स्पीड को मापने के लिए इंटरसेप्टर का प्रयोग है वो किया जाता है। फिर है नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में बताना कि नशीले पदार्थ लेने के बाद में किस तरह से जो साधन है उससे दुर्घटना हो सकती है या उनका परिणाम घातक हो सकता है, इसके बारे में भी लोगों को बताना जरूरी है। फिर दस नंबर में है कि गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात होने चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसके अलावा बीमा इंश्योरेंस के जो कागजात हैं वो होने जरूरी हैं और प्रदूषण सर्टिफिकेट, गाड़ी का जो प्रदूषण सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि अमुक साधन है वो वातावरण में चलाने के लिए योग्य है उससे प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बनता है तो वो भी गाड़ी में होने जरूरी हैं, साधन के होने जरूरी हैं। दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करना
कि किस तरह से अगर कोई दुर्घटना हुई है तो प्राथमिक चिकित्सा उसकी जानकारी हमारे को भी होनी चाहिए, और हमारे को अगर वो जानकारी है तो वो दूसरों को भी देनी चाहिए। फिर एक कहानी आपके सामने आती है, और इस कहानी से हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे को ये कहानी एक सीख देती है। राजू फटी आंखों से उस पन्ने को देख रहा था। राजू नाम का कोई लड़का है और वो एक कागज को पढ़ रहा है। एक अंतर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था, अंतर्देशीय कागज है और उसको वो पढ़ रहा था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। राजू का बड़ा भाई है निखिल, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया था, और जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई राजू को एक पत्र है वो पढ़ने के लिए देता है। राजू उस पत्र को पढ़ता है तो क्या देखता है, प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये देखना, जो जतिन गांधी है उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और उसका पिता है वो निखिल को पत्र लिखता है। तुमने मेरे बेटे के मर्द शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया है, और तुमने, यहाँ पर निखिल का साथी था कौन, जतिन गांधी, और वो निखिल के, जो जतिन है उसके मर्द शरीर को उसके पिता के घर तक पहुंचाता है। इसी के उपलक्ष में जो उसके पिताजी हैं वो निखिल को पत्र ये लिखा था, मैं उस समय तुम्हारा, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था, मैं पोस्ट ऑफिस में कलर की नौकरी करता था, और मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काटकर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सारा बनना चाहता था, और वो इंजीनियर बनना चाहता था, कौन, जतिन गांधी। फिर है, हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वह आया परंतु खपन में लिपट कर, और हम तो उसके लौटने की घर पर प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो मर्द शरीर बनकर हमारे घर पर आया, खपन में लिपट कर आया था। फिर है, हमारा सहारा बनने की जगह है हमें उसके अर्थी को कंधा देना पड़ा, और विधि का यही विधान था, ईश्वर की यही मर्जी थी, और हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवाय कर ही क्या सकते थे। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसकी जब मृत्यु हुई तो हमारे पास में रोने के अलावा कोई सहारा नहीं बचा। फिर बेटा जतिन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था, और वह तुम्हें बहुत मानता था। और जतिन है, यहाँ पर वो उसके पिता कह रहे हैं कि जतिन जब भी हमारे को पत्र लिखता था तो निखिल तुम्हारी बातें हैं वो उस पत्र में ज़रूर लिखता था, और वो तुम्हारे को मानता भी बहुत था, मुझ बुढ़े पर एक एहसान कर सकोगे। और वो जतिन गांधी का जो पिता है वो कह रहे हैं कि मेरा शरीर है वो वृद्ध हो चुका है, लेकिन क्या तुम मेरे पर एक एहसान कर सकोगे। और वो क्या एहसान के लिए बातें कह रहे हैं कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गाँव आ सकते हो, कि मेरे गांव आओ कुछ दिन के लिए, और मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बातें करना चाहते हैं, कि उस बेटे के बारे में कुछ बात आपसे करनी है। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्षों से घर भी नहीं आया, और अब वह कैसा लगता था, क्या हमारे बारे में तुमसे बातें करता था, और तुम्हें हमारा आशीर्वाद, और हम तुम्हारे को बहुत सी बातें पूछेंगे जब हम, तो आप हमारे घर पर आओगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा था और क्या आपसे वो बातें करता था। फिर तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में वेलू गांधी। अब देखना, यहाँ पर राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई, और उसके बाद में जो बड़ा भाई निखिल है वो छोटे भाई राजू को उस रात की घटना सुनाता है, जिससे उसके जीवन को झकझोर कर रख दिया और उसके जीवन को काफी प्रभावित किया था जो राजू है उसके। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था, और जतिन है इन सभी मित्रों में सबसे छोटा मित्र था। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था, और कुछ ही महीनों में वे घर पर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसंबर की शाम थी, कि 31 दिसंबर है उसकी शाम थी, इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। नया वर्ष था उसके लिए, पार्टी के लिए उनको जाना था, और वहाँ पर ये पार्टी में चले गए। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, और इसीलिए उसे जाने के लिए मना कर दिया, और उसकी जगह है पास वाले कमरे में रहने। और निखिल है वो कह रहे हैं कि मेरे को अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना कोई काम था, इस प्रकार की कोई योजना थी और उसको पूरा करना था, इसलिए मैंने तो जाने से मना कर दिया, और उसकी जगह है पास वाले कमरे में रहने। देखना, पास वाले कमरे में रहने वाले नरेंद्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया, और नरेंद्र पास वाले कमरे में हमारे रहता था, और उसको वो अपनी गाड़ी में साथ ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी, और इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक नहीं था। अब देखना, परंतु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी, और उस पार्टी में कुछ लोग इस प्रकार के आए हुए थे वो इन मित्रों को शराब पिला देते हैं। रात के 2 बजे
उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। रात के 2 बज चुके थे और उस समय ये अब पार्टी से वापस जाने के लिए तैयार हुए। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। और हेडलाइट जलाकर भी उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हेडलाइट भी जलाई, जो मैन आगे की लाइट होती है वो भी जलाई, लेकिन उसको बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में जोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके सो गए और अन्य जो उसके मित्र थे नरेंद्र के, वो उस गाड़ी में सो चुके थे। काफ़ी होल उन्होंने पार्टी में खूब यानी कि होल ला किया और उसके बाद में उनको थकान होने के कारण नींद आ जाती है। धीरे नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी और अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराई और नरेंद्र है उसको भी नींद आ रही थी और गाड़ी है वो अचानक फ्लाईओवर जो सड़क के ऊपर से जो जाने वाला रास्ता होता है उसके ठीक एक खंभा बना हुआ था फ्लाईओवर के साइड में और उस खंभे से जाकर गाड़ी है वो टकरा जाती है। फिर है नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उम्र उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियाँ टूट गई और नरेंद्र के जो तीनों अन्य मित्र थे उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है और नरेंद्र के शरीर की कई हड्डियां हैं वो टूट जाती है और सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचान कर उनके पिता माता पिता को खबर देना और उनके शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया और ये जिम्मेदारी है ये निखिल पर आ गई थी उसके बाद में उनके शवों को वहाँ से उठाना और शवगृहों में रखवाना का, और जो काम उन्होंने किया तो उसके कारण उनको भी काफ़ी वेदना हुई। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन का सुख दुख मांटता था आज बिना आवाज़ के प्राणहीन थे। उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें उसे रात भर जगा कर रखती थी और अब यह पत्र आखिर कैसे खड़ा होगा और वह वेलुगंध के सामने और उस यहाँ पर खुद निखिल ऐसे सोच रहा है कि मैं किस तरह से वेलु गांधी है यानी कि निखिल का जो पिता है उसके सामने जाकर निखिल का पिता नहीं जतिन गांधी का जो पिता है उसके सामने जाकर मैं ये कैसे बातें रखूँगा। फिर आगे देखना, अब आपकी बोर्ड की परीक्षा में कुछ हर बार कुछ यातायात संकेत दिए हुए होते हैं और उन संकेतों की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है कि कौन सा संकेत है वो किस चीज़ के लिए है इसके बारे में आपको बताना होता है। तो इन संकेतों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना और इनको याद भी करना है। जैसे एक जो बड़ा सा यानी कि आयताकार चित्र षटकोणीय जो चतुर्भुज होता है उस प्रकार का एक चित्र बना रखा है उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर दिया है कि गाड़ी को रुक जाने का संकेत है। एक त्रिभुज प्रकार का ब्रैकेट बना हुआ है और उसका जो निशान है वो ये दर्शाता है कि आने वाले साधनों को हमारे को रास्ता दो। फिर है सीधे प्रवेश निषेध है, ये चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि आप सीधे नहीं जा सकते। फिर है एक ही रास्ता संकेत कि एक ही रास्ते से जा सकते, यानी कि आप या तो वहाँ से आ सकते हो या जा सकते हो, एक ही प्रकार का रास्ता है वो इसमें दिखाया गया है। फिर ये भी यानी कि दूसरी साइड का जो रास्ता है इसको ही दर्शा रहा है। फिर देखना दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध, यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी दिशा में आप वाहन नहीं ले जा सकते। फिर है सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध, सब जितने भी जो संसाधन हैं जो मोटर गाड़ियाँ हैं उन पर प्रतिबंध है, आप इस क्षेत्र में नहीं चला सकते। ट्रक पर प्रतिबंध, कुछ क्षेत्र में ट्रक पर प्रतिबंध लगाया जाता है वहाँ पर इस प्रकार का निशान बनाया जाता है। बैलगाड़ी पर प्रतिबंध, बैलगाड़ी को नहीं ले जा सकते। तांगा पर प्रतिबंध, इसमें तांगे का निशान देकर उसको क्रॉस से काटा गया है। हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध कि हाथ से जो चलाने वाली जो गाड़ी है उस पर भी प्रतिबंध दिखाया गया है। साइकिल पर प्रतिबंध, पैदल चलने वालों पर प्रतिबंध, दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध कि दाहिने आप नहीं मुड़ सकते इस पर प्रतिबंध है, बाएं मोड़ पर प्रतिबंध है, ये निशान है ये आपको याद करने हैं और इनको बहुत ही गौर से आपको देखना है। फिर देखें यू मोड़ पर प्रतिबंध कि आप यू टर्न नहीं ले सकते उस पर प्रतिबंध है। ओवरटेकिंग पर प्रतिबंध, आप साधन को ओवरटेक नहीं कर सकते उस पर प्रतिबंध है। हॉर्न पर प्रतिबंध, इस क्षेत्र में आप हॉर्न नहीं बजा सकते। बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध, ये बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके निशान को दर्शाता है। लंबाई सीमा, किस साधन की जो लंबाई है उसकी सीमा है वो इतनी होनी चाहिए। गति सीमा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। लोड सीमा है वो 5 टन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊंचाई सीमा है कि 3.5 मीटर की ऊंचाई सीमा होनी ज़रूरी है। चौड़ाई है वो 2.5 मीटर की चौड़ाई सीमा है, ये दर्शाते हैं कि यहाँ से जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है,
चौड़ाई है वो इस एरिया की 2 पॉइंट, इस सड़क की 2.2 मीटर है, या ऐसे कुछ स्थानों के बारे में ऐसा दिखाया गया है। एक्सल लोड सीमा यहाँ पर बताया है कि 4 टन, दो चार 4T से दर्शाया गया है कि इतनी लोड सीमा के जो साधन है वो चल सकते हैं। फिर है वाहनों के बीच की दूरी, वाहनों के बीच की दूरी दिखाई गई है कि वाहनों के बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, जैसे इसमें 70 मीटर दिखा रखा है। संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के संकेत हैं उन पर सब पर प्रतिबंध समाप्त है। नो पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, खड़े या रोके नहीं साधन को, ना ही तो खड़ा करना है ना ही रोकना है, आगे ही अनिवार्य है, यहाँ से आप आगे ही जा सकते हो। बाएँ रखना अनिवार्य, साधन को बाएँ रखें, दाएँ रखें, बाएँ मोड़ें, दाएँ मोड़ें। फिर इसमें आगे लिखा है कि आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है, ये कुछ संकेत इस प्रकार के दर्शाए गए हैं। फिर बाएं रखना दाएं रखना अनिवार्य, ये भी साधनों के लिए है कि यहाँ पर बाएं रखना है, यहाँ पर दाहिने साइड में रखना है, बाएं मोड़ना है, दाहिने मोड़ना है, आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है। फिर है आगे की ओर बाएं मोड़ना, फिर है आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है कि आगे जाने के बाद में बाएं मोड़ना है, आगे जाने के बाद में दाहिने मोड़ना है। साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है कि यहाँ पर साइकिल है वो ट्रैक पर ला सकते हो आप, और इस क्षेत्र में आप धवनी है वो बजा सकते हो, धवनी बजाना अनिवार्य है यहाँ पर। तो ये कुछ आपके यातायात से संबंधित संकेत थे जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है वो लेनी है, और इन्हीं से संबंधित बोर्ड की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और हो सकता है जो सड़क सुरक्षा के कर्तव्य से संबंधित बातें दी गई थी उनसे भी प्रश्न हो सकता है। अब आपसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेते हैं, जो आपको कहानी सुनाई थी उसी में से, कि वेलू गांधी ने किसे पत्र लिखा, तो आप बताएं जो वेलू गांधी है वो जतिन गांधी के पिता थे, उन्होंने किसको पत्र लिखा, जतिन को, निखिल को, राजू को, नरेंद्र को, तो पत्र लिखते हैं किसको, निखिल को। गाड़ी कौन चला रहा था, जल्दी से बताएं गाड़ी है वो चलाने वाला ड्राइवर कौन था, निखिल, जतिन, वेलू गांधी, नरेंद्र, तो गाड़ी को चला रहा था कौन, नरेंद्र। फिर अति लघुरात्मक प्रश्नों में हम देखेंगे जतिन किस चीज की फड़ाई कर रहा था, तो आप बताएं जतिन है वो किस क्षेत्र में जाने के लिए फड़ाई कर रहा था, तो वो इंजीनियरिंग की फड़ाई है वो कर रहा था। सभी साथी किस अवसर पर पार्टी कर रहे थे, तो सभी साथी है वो 31 दिसंबर की शाम थी और 9 वर्ष की वो पार्टी कर रहे थे। शराब पीकर कौन गाड़ी चला रहा था, तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो कौन था, ये पहले भी आया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में भी, नरेंद्र था। गाड़ी किससे टकराई, तो गाड़ी है वो जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकरा जाती है और वहाँ पर उसके 3 साथी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं नरेंद्र के, और नरेंद्र के शरीर की हड्डियाँ हैं वो टूट जाती हैं। तो साथी दो इस तरह से ये आपका अध्याय है ये पूर्ण होता है। इस अध्याय में आपको फिर से इस वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके फिर से देख लेना है, इसमें जो सड़क सुरक्षा से संबंधित कर्तव्यों की बातें भी हैं और इसके अलावा अनिवार्य यातायात संकेतों के जो चिन्ह हैं उनको भी आपको गौर से देखना है ताकि आपकी बातें हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। तो ऐसे ही अध्यायों की वीडियो हैं वो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।